बाराबंकी शहर में आज जिला प्रशासन के द्वारा एक पुराने मंदिर को तोड़कर हटाया गया, जिससे मार्ग चौड़ीकरण किया जा सके और यातायात सुगम हो सके। खास बात यह है कि लोक व्यवस्था के महत्व को समझते हुए हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन के इस कार्य का जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि सहयोग किया। शहर के बड़ेल चौराहे पर स्थित दुर्गा मंदिर को आज प्रशासन द्वारा मूर्ति प्रतिस्थापित करने के बाद हटा दिया गया। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सार्वजनिक रास्ता आदि के पास धार्मिक स्थल को हटाया जाना है, जिसके क्रम में शहर के बड़ेल चौराहे पर काफी वर्षों पुराना देवी दुर्गा का मंदिर सड़क के किनारे स्थित था, जिस कारण से अक्सर वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को भी अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो रही थी। उक्त के क्रम में स्थानीय लोगों की रजामंदी से प्रशासन ने दशहरा बाग स्थित पंचमदास कुटी परिसर में चबूतरा आदि का निर्माण कराकर मूर्ति स्थापित कर दी। इस दौरान स्थानीय लोग मौजूद रहे और विधि विधान से पूजन अर्चन कर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था, उस आदेश के तहत जो भी पुरातत्व काल के बने हुए मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हैं, आज आबादी बढ़ने के कारण सार्वजनिक चौराहों पर वो आ गए हैं या रोड चौड़ीकरण में जो पड़ रहे हैं, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ से अलग स्थापित करने के लिए आदेश दिया था। उसी क्रम में आज बड़ेल चौराह पर पूर्व काल से स्थित और मान्यता प्राप्त माँ दुर्गा जी का जो मंदिर था, वहाँ की मूर्ति आज सर्व समाज के लोगों के सहयोग से यहाँ पर शिफ्ट की जा रही दशहरा बाग पंचमदास कुटी में। और चूँकि हम सब की आस्था थी माँ भगवती में, इसलिए हम सब ने ये प्रण किया था इस माँ की मूर्ति को वहाँ से सकुशल यहाँ लाकर अपने सनातन धर्म के हिसाब से स्थापित किया जाएगा और आगे की पूजा अर्चना यहाँ की जाएगी, जिससे सार्वजनिक मार्ग भी खुल सके और हम सबकी आस्था पे चोट भी न पहुँचे। वहीं मूर्ति को प्रतिस्थापित करने के उपरांत नगर पालिका एवं प्रशासन की टीम के द्वारा सड़क पर बने निर्माण को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। देखिए, बड़ेल चौराहे पर काफी लंबे समय से जाम की समस्या थी, इस पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जो मंदिर का संचालन करते हैं उनसे वार्तालाप की गई और उन्होंने पूर्ण सहमति व्यक्त की कि इस मंदिर को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। पहले इसके लिए व्यवस्थाएं की गई। आज बगल में बाबा पंचमदास कुटी है, वहां चबूतरे पर माता की मूर्ति स्थापित की जा रही है और इस कार्य को जो यहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने स्वयं अपने हाथों से ही किया है। इस पर किसी प्रकार की प्रशासनिक दबाव या ये अन्य स्थितियाँ नहीं थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का जैसा आदेश है उसके गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय का भी स्पष्ट निर्देश है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ही कोई भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर में और भी कितने चिन्हीकरण हुआ है? पिछले दिनों तकरीबन 23 ऐसे धार्मिक स्थान थे जिनका चिन्हीकरण हुआ है और वहाँ पर वार्तालाप जारी है और जो दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप शेष कार्रवाई की जाएगी।